विनोद शर्मा आपके पास आऊंगी, अभी विनोद अग्निहोत्री से सवाल है। विनोद जी, ये हरियाणा का जो मैंडेट है, ये एग्जिट पोल और एग्जिट पोल, ये कितना बड़ा फासला देखते हैं या फिर तकरीबन एज इट इज आपको दिखाई देता है? देखिए, एग्जिट पोल को लेकर के हम लोग कई बार देख चुके हैं, सही गलत हो चुके हैं। सबसे ताजा उदाहरण तो लोकसभा का ही चुनाव था, 400 पार। हाँ, 400 पार और 350-350 जो भी है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि एक दिशा जो है उससे अंदाज लगता है। तो भले लोकसभा चुनाव में सारे एग्जिट पोल गलत हुए, लेकिन एक दिशा तो थी कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, तो दिशा तो वही थी। भले इंडिया गठबंधन की सरकार तो नहीं बनी, या इंडिया गठबंधन तो 290 पे नहीं पहुंचा, तो भले 400 पार ना आया हो, भले 350 ना आई हो, लेकिन दिशा की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारे एग्जिट पोल नंबर पे छोड़िए, दिशा तो इनकी ये है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन रही है। अब वो 46 पे बनती है या 70 पे बनती है, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। तो दिशा जो है इनकी, तो मुझे लगता है कि हमको दिशा पर बात करनी चाहिए आंकड़ों से ज़्यादा, नंबर से ज़्यादा। क्योंकि नंबर, हर एग्जिट पोल की अपना एक मेथोडोलॉजी है, अपना एक सिस्टम है, क्या है कितना, उसको आप हम आप वो नहीं कर सकते। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस को एज है एग्जिट पोल इस तरीके की दिशा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, दिशा तो सब कोई भी नहीं, लेकिन हमने मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में पलटते हुए देखा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दोनों तरह के एग्जिट पोल थे। मध्य प्रदेश तकरीबन ज्यादातर जो एग्जिट पोल्स थे वो छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक्सिस बाय इंडिया ने 160 सीटें दी थी, एक्सिस बाय इंडिया ने मध्य प्रदेश में 160 से 180 सीटें दी थी बीजेपी को। नहीं, मैं और इसी तरह एक दो पोल और भी थे जिन्होंने बीजेपी को दिखाई थी। ज्यादातर एग्जिट पोल्स का अगर पोल ऑफ पोल्स बनाऊं तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का स्पष्ट एज दिख रहा था। नहीं नहीं, उसमें भी मैं कह रहा हूँ ये मिक्स पोल नहीं है, इनकी दिशा एक है बिल्कुल। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेजोरिटी की बात कर सकती है कि मेजोरिटी ज्यादा दिखा, लेकिन वहां ऐसे भी एग्जिट पोल थे जो बीजेपी को दिखा रहे थे, तो इसलिए मैं उसको अलग कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि जो आशुतोष ने कहा कि जो मुद्दे चार वहां पे मुख्य मुद्दे वो सारे तो केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं। इसके बावजूद देखिए, अब प्रचंड बहुमत की क्या परिभाषा है? जब 283 सीटें बीजेपी की आई, यानी 272 से मात्र 10 सीटें 2014 में, तो सब ने कहा प्रचंड बहुमत। तो वो प्रचंड था क्या? नहीं, वो तो प्रचंड तो 414 था, वो तो 30 साल बाद प्रचंड जी स्पष्ट बहुमत मिला। हाँ, स्पष्ट किसी ने कहा, मेजॉरिटी मिली थी गरिमा जी। हाँ, मुझे उसमें अच्छी तरह डिबेट्स में ध्यान है। हाँ, हर चैनल प्रचंड बहुमत, उसका कारण ये था कि उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी को अपनी मेजॉरिटी मिल जाएगी, लेकिन मिली तो प्रचंड हो गया। 303 भी प्रचंड हो गया। प्रचंड तो 415 का था ना, राजीव गांधी का प्रचंड तो वो होता है, अगर प्रचंड की परिभाषा आप करें, या प्रचंड 365-370 जो आए थे, और जो भी आशुतोष ने उदाहरण दिया 1989 का राजीव गांधी का, 77 में आप देख लीजिए भयानक नाराजगी इंदिरा गांधी को लेकर इमरजेंसी के खिलाफ, लेकिन 154 सीटें थी कांग्रेस की तब भी। तो ये कांग्रेस का जो मैंडेट, अगर 55 से 60 या 50 से 60 के बीच भी मान ले, तो उसको अच्छी विक्ट्री तो कहा ही जाएगा भाई। 2/3 अगर हो रहा है तो, और अब उसको क्या कहें, उसको मतलब कमतर मानेंगे। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक वोट जनाधार तैयार किया है, वो हिंदुत्व का जनाधार एक है, उसका एक लंबा चौड़ा लंबा आरएसएस का सबका काम पूरे देश में हुआ है, तो एक उसका ठोस जनाधार हिंदुत्व का तैयार हो गया है। वो कहीं 30% है, कहीं 35% है, कहीं 34% है, कहीं 25% है, हर राज्य में अलग है, अलग केरल जैसे राज्य में भी थोड़ा बहुत बन गया है। तो आप उसको तो नहीं दिख रहा, हरियाणा जो है, चूंकि भाई आप इसको भी देखिए, हरियाणा में नुहू में दंगा हुआ लोकसभा चुनाव से पहले, आपका लगातार कोशिश की गई पोलराइज करने की हर चीज में, तो थोड़ा बहुत तो ऐसा तो बीजेपी को अभी तो नहीं कर सकते कि बीजेपी तो वो वोट बैंक वही, यानी कि कुल मिलाकर जो लब्बो लुआब है ये, अगर 55 से 60 पर भी कांग्रेस आई तो ये एक सम्मानजनक जीत कांग्रेस की मानी जाएगी। विनोद